क्या आपके बाइसाइकिल के डिस्क ब्रेक पैड घिस गए? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, फाइनली ब्रेक्स आ गए हैं और अभी अभी रिसीव हुए हैं। रिसेंटली मैंने इन्हें ऑर्डर किया था cyclope.in से, पहली बार ऑर्डर किया था। तो चलो चेक करते हैं ये ब्रेक्स ओरिजिनल हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अमेजोन से मंगाए थे तो वो बिल्कुल नकली थे, जिन्हें मैंने रिटर्न कर लिया था। हालांकि जो पैकेट है वो फ्लिपकार्ट का पैकेट है। ये देखिए गाइस, ये है हमारी cyclope.in की पैकिंग। काफ़ी खुशी हो रही है गाइस, ये ओरिजिनल ब्रेक्स हैं, क्योंकि इनमें जो है आप अंदर मेंशन कर रखा है BS01, जैसे कि मेरे पुराने वाले मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। एंड इनकी MRP है ₹380। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरा पुराना वाला B01S और थैंक्स अगेन श्यामांतक भाई। सच में ये भाई ने, ये जो कंपनी थी जिन्होंने इसे इंपोर्ट किया, शिमानो साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका नंबर भी दिया था और cyclope.in का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और काफ़ी खुशी हुई मुझे कि इतने सस्ते में मुझे ओरिजिनल चीज़ मिल गई। अदरवाइज़ अमेजोन में जो लिस्ट कर रखे थे और उसके नाम से आ रहे थे, शिमानो के नाम से, वो टोटली फेक थे और उन्हें कोई भी कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो चलिए अब फटाफट इसकी पैकिंग को खोल देते हैं। काफ़ी सही स्टैंडर्ड पैकिंग है इसकी। इस पैकेज में हमें ब्रेक्स मिलते हैं, साथ में मिल जाता है ये स्प्रिंग और 3 क्लिप्स टोटल इन्होंने मुझे दे रखी हैं। पुराना ब्रेक आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये साफ हो चुका है। ये देखिए बेसिकली गाइस, अगर आप काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं तो 1-1.5 साल बाद ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मेरे को पता कब चला, जब मेरी साइकिल के टायरों से क्स 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 इस तरह की आवाज़ आने लग गई थी, जबकि ब्रेक दबे भी नहीं है, फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कुछ रगड़ रहा है। तो मैंने चेक किया और पता चला तो ब्रेक्स साफ हो गए थे। तो चलो गाइस, अब फटाफट इन नए डिस्क ब्रेक को साइकिल में लगाते हैं। तो गाइस, डिस्क ब्रेक चेंज करने के लिए मैंने अपनी साइकिल को उल्टा कर दिया है और उससे पहले मेरे पास ओडोमीटर है इसका, उसके रिसीवर के सेल चेंज कर दूंगा। सो अब हम लोग फटाफट बाइसाइकिल के टायर को क्विक रिलीज के थ्रू निकाल देंगे। दोस्तों, टायर निकल गया है, अब फटाफट रिसीवर का सेल चेंज करता हूँ। सो गाइज, अब यहाँ पे मैं फटाफट रिसीवर का सेल क्वाइन की हेल्प के थ्रू चेंज कर देता हूँ। अब आती है ब्रेक्स की बारी। सो एज मैंने अपना फ्रंट डिस्क ब्रेक पहले से ही हटा रखा था, तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। एंड वहाँ पे जो वो दो काले हैं, वो डिस्क ब्रेक के शू हैं जो कि प्रेशर डालते हैं। तो इनको आपको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर की तरह पुश करना होता है, तभी आपका नया डिस्क ब्रेक पैड अंदर घुस पाएगा। और इस कंडीशन में मैंने एक चिमटी का इस्तेमाल किया है। ये कुछ ब्रेक्स और स्प्रिंग को हमें इस तरह से रखना है और स्प्रिंग इसमें फिट हो गई है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा, जितनी अच्छी तरीके से आपके डिस्क ब्रेक के जो शू हैं वो अंदर की तरफ हो जाएंगे, उतनी आसानी से डिस्क ब्रेक पैड अंदर चले जाएगा। आप इसको गाइड कर सकते हैं इसके पीछे के होल को देखते हुए, जहाँ पे हमको लास्ट में लगानी है क्लिप, और इस क्लिप को अच्छी तरीके से मोड़ दीजिएगा, अदरवाइज ये बीच में निकल सकता है। तो हमारा डिस्क ब्रेक पैड लग गया है, अब बारी आती है टायर को लगाने की। तो आपको धीरे से डिस्क ब्रेक को इसमें बैठाना है, इस पैड के ऊपर, और देन थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा, ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कई बार बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कर देते हैं कि अब मैं कौन कौन से वीडियो गियर यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस रिगार्डिंग जो गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ उनका नाम और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, वो मेरे एफिलिएट लिंक होते हैं, तो इफ़ इन केस अगर आप वहाँ से खरीदते हैं तो कुछ परसेंट अमेजोन कमीशन के तौर पर मुझे देगा और प्रोडक्ट आपको सेम ही रेट में मिलेगा। तो इफ़ इन केस अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनमें से किसी एक लिंक को बुकमार्क बना सकते हैं, और जब भी आप अमेजोन से शॉपिंग करेंगे तो आप उस बुकमार्क के थ्रू शॉप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मुझे फाइनेंशियली फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए गाइज, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। डिस्क ब्रेक पैड चेंज करने के बाद हमारा जो डिस्क ब्रेक है उसका पूरा प्रेशर लॉस हो चुका है, इसलिए हमें फटाफट उसे 10-15-20 बार दबा के उसे दोबारा टाइट करना होगा। तो फाइनली गाइज, ये हो गया हमारा डिस्क ब्रेक टाइट और अब इसमें पूरी तरीके से प्रेशर आ गया है। अब हमें फटाफट पीछे के टायर के डिस्क ब्रेक पैड चेंज करने हैं, लेकिन पीछे का टायर निकालने में एक चैलेंज है। आप इस बैक टायर को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको गियर्स को लेफ्ट साइड से 1 और राइट साइड से 9 या 7, जो भी आपके उसमें उस गियर रेशियो में से डालना होगा, ताकि दोस्तों चेन जो है सबसे छोटे वाले स्प्रॉकेट व्हील में आ जाएगी। और साइकिल को उल्टा जरूर कर दीजिएगा एंड उसके बाद फिर पीछे के क्विक रिलीज को आप खोल दीजिएगा। मेरे केस में दोस्तों, ये जो पीछे का टायर है वो काफ़ी टाइट था, तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आर्म है, इस आर्म के थ्रू स्प्रॉकेट्स को चेन से अलग करना होगा। और ध्यान से कीजिएगा इस प्रोसेस को, और फिर आपका टायर आ जाएगा बाहर। और यहाँ पे आपके हाथ में ग्रीस भी लग जाता है, तो थोड़ा डिस्क ब्रेक से दूर ही रखिएगा अपने हाथ को। एंड टायर निकालने के बाद गाइज, मैंने फटाफट अपने हाथ धुले एंड फिर पुराना डिस्क ब्रेक पैड निकाला,
जो कि आप अभी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा घिस के बिल्कुल साफ हो चुका है। एंड देन सेम प्रोसेस से दोस्तों मैंने ये जो आप डिस्क ब्रेक के शू देख रहे हैं इनको पुश करके अंदर घुसेड़ दिया एंड उसके बाद लगाया दोबारा से डिस्क ब्रेक पैड। एंड गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे इस चैनल रिलेटेड एक अकाउंट बना लिया है जहाँ पे मैं साइकिल या प्रोडक्ट रिलेटेड अपडेट्स देता रहूँगा, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, ऑसम बायर्स नाम से वो अकाउंट है। सो फाइनली गाइस अब आता है टायर लगाने का टाइम। तो हमने जो गियर चेंज किए थे सबसे पहले वो इसीलिए किए थे, देखिए ताकि अब देखिए आराम से जो हमारा टायर है वो अपनी जगह पे चले जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि इस चेन को इसके स्प्रॉकेट में डालना है एंड नीचे से भी दूसरे वाले हिस्से को भी, एंड उसके बाद सिंपली ये पुश कीजिए और थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद ये अंदर चले गया। अब टायर हमारा जगह पे बैठ गया है तो अब हम लोग फटाफट इसे लॉक कर सकते हैं। सो गाइस अपने क्विक रिलीज को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इतना टाइट हो कि ये जो क्विक रिलीज का लीवर है आसानी से लग जाए। और उसके बाद जो हमारा डिस्क ब्रेक का प्रेशर लूज हो गया उसे दोबारा से प्रेशराइज करना है। गाइस इस समय मैं साइकिल चलाने आया था और ब्रेक टेस्टिंग हो गई ढंग से, तो घर पे जो मैंने टायर घुमाए थे तो उस टाइम ब्रेक रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब साइकिल चलाई तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जो मेरे डिस्क ब्रेक हैं वो दोबारा से टाइट हो गए हैं, जैसे नए जब साइकिल थी बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जब आपके जो डिस्क ब्रेक हैं अगर वो ज़्यादा दबने लग जाएं नॉर्मल के, तो समझ जाइए कि आपका जो डिस्क ब्रेक शू है वो घिस रहा है। और साथ में अगर साइकिल के टायर से रगड़ने की आवाज़ आने लग जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि टाइम हो गया है डिस्क ब्रेक शू बदलने का। सो कंक्लूजन में मैं ये बता सकता हूँ गाइस कि डिस्क ब्रेक पैड्स जो हैं, अगर आप डेली साइकिलिंग कर रहे हैं 8 से 10 महीने या 1.5 साल तक, तब आपके डिस्क ब्रेक पैड घिस जाते हैं और उनको चेंज करने का टाइम आ जाता है। अब कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दीजिए कि आप लोगों का डिस्क ब्रेक पैड चेंज करने का टाइम आ गया है, साथ में अपनी बाईसाइकिल भी मेंशन कीजिएगा और कैसी है वो बाईसाइकिल ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि और लोगों की हेल्प हो जाएगी। ओके दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।